ब्यूटी क्लिनिक भी है, ब्यूटी पार्लर भी है और जिम भी है। इसके अलावा जूटू, कराटे और मज़ीद चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। और मैं कराची की एक बेहतरीन प्राइम लोकेशन में मौजूद हूँ और हम बात करेंगे अपनी इन मैडम से इनके प्रोफेशनल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम फरह सुल्ताना है और मैं जो हूँ ऑनर हूँ अफजलनिसा वोकेशनल सेंटर की। और ये जो है ये हमारा माशाल्लाह से एक साल से हमारा काम कर रहा है ये। और इसमें जो है हम लोग मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं जिसमें कंप्यूटर है, जिम है और ब्यूटिशन के कोर्सेज हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है और पेंटिंग है, हर चीज़ है तकरीबन यहाँ पे। मेकअप वगैरह तमाम चीज़ें, मेकअप वगैरह जी जी। और उसके अलावा हम सर्विसेज वगैरह भी देते हैं। और उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा ये कि मेरा ताल्लुक जो है वो एक एनजीओ से है, ख़वातीन के एनजीओ से है, तंजीम फलाह ख़वातीन से है ना। माशाल्लाह। तो उससे मेरा ताल्लुक जो है वो तकरीबन 15 साल से है ना। तो उसके उसके साथ हम लोग मिलके जो है वो थोड़ा सा फलाह के काम भी करते हैं। मतलब ये कि जैसे पिछले दिनों कहद हुआ था तो हम लोग थर वगैरह गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने कुएँ वगैरह खुदवाए थे। उसके अलावा अब जो है वो ज़ाहिर है मेरा अपना भी ये है, वर्क है। तो यहाँ पर भी हमारे जैसे आपको पता है कि आजकल बारिशें बहुत हुई हैं ख़ासतौर से, तो हम लोगों का ये है कि थोड़ा सा पानी उतर जाए। हम लोगों ने चीज़ें तो बहुत सारी कलेक्ट की हैं लेकिन ये है कि हम लोग जो है वो बाहर से मतलब पैसे नहीं कलेक्ट करते, हम सिर्फ अपने ही मेम्बरान से जो है वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं ना, राशन का सामान है, कपड़े हैं, ये सब जो है वो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा रास्ता हमें मिलेगा तो हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पर पहुँचाएँगे। मैडम माशाल्लाह ये आपके जो प्रोफेशनल है ये आप कब से कर रही हैं? ये तकरीबन जो है ये मैं मैं 2004 से मैं एग्जिबिशंस वगैरह करती थी पहले। मतलब ये कि हमारी अम्मी को बहुत शौक था कि मेरी बेटी को पाए, उनको क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती थी, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज वगैरह किए हुए थे ना, तो उसी के हवाले से फिर मुझे भी उनको जैसे शौक था तो मुझे भी ज़ाहिर विरसे में मिला। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज वगैरह किए, फिर ये कि रंगून वाला सेंटर से मैंने ज़्यादा किए और लाहौर से किए, मुख्तलिफ जगहों से किए ना। तो फिर वो मुझे थोड़ी सी आदत हो गई क्योंकि वहाँ पर एग्ज़िबिशंस होती थी ना, तो फिर एग्ज़िबिशंस वगैरह करते रहे। तो समझे 2004 से तो एग्ज़िबिशन का सिलसिला था और उसके अलावा 2009 में जो है वो मैंने अपना जो है वो एनजीओ ज्वाइन किया और ये फलाही कामों की तरफ आई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब मैं किसी के थ्रू काम कर रही हूँ तो मैं अपने तौर से भी काम करूँ, तो इसलिए फिर मैंने अपना अफजलनिसा के नाम से वोकेशनल सेंटर कायम किया। और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि मतलब आ रही हैं बच्चियाँ, अभी तो इब्तिदा है, कम है हमारे पास स्टूडेंट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आ रहे हैं। और जो बच्चियाँ हमारी जो सीखती हैं और जो काम करती हैं तो फिर हम उनसे चीज़ें बनवाते हैं और फिर हम लोग एग्ज़िबिट करते हैं, जैसे एक्सपो सेंटर में है या पीसी वगैरह में हम लोग एग्ज़िबिट करते हैं, तो फिर ये उनकी भी इनकम होती है और हमारी भी होती है। आपकी माशाल्लाह आपको कोई आइडिया है कि आपके कितने स्टूडेंट्स होंगे? तकरीबन जो है अभी तक जो हमारे यहाँ जो सीख के चले गए वो तकरीबन 10 स्टूडेंट जो हैं हमारे अपने वोकेशनल सेंटर से जा चुके हैं। और उसके अलावा जो है वो क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर भी रह चुकी हूँ ना, तो वहाँ पे भी मैं होमी प्रॉमिस की टीचर थी, तो वहाँ पर तकरीबन 500 के करीब स्टूडेंट को मैं सिखा चुकी हूँ। माशाल्लाह। क्योंकि वो लोग भी बच्चियाँ, गरीब बच्चियाँ थी सारी, आपको पता गवर्नमेंट स्कूलों में तो वही बच्चे आते हैं जो कि फीस नहीं दे सकते भारी भरकम, तो वो बच्चियाँ जो है वो मेरी फ़्रॉकें सीती थी और भी उनसे उनको जो भी चीज़ आती थी वो मैं अपने पास से प्रोवाइड करती थी और वो लोग बनाती थी और फिर उनको फिर मैं क्या कहते हैं गिफ्ट के तौर पे किसी को रील दे दी, किसी को वो दे दिया, कपड़ा दे दिया, तो वो बच्चियाँ गरीब बच्चियाँ थी वो खुश हो जाती थी और वो सीखती भी थी और काम भी करती थी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा मैंने आपकी कोई स्टूडेंट है हमारे पास नाजिया हैं, वो बड़ी आपकी तारीफ़ें करती हैं, तो इसलिए मैं खसूसी आपके पास आया, मैंने कहा आपका ये विजिट करूँ, आपका जो ये जिम है और ये ब्यूटी पार्लर है, मैं खसूसी तौर पर आपका टाइम ले रहा हूँ। अच्छा हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे जो न्यू टैलेंट्स हैं जो ये काम ये प्रोफेशनल जो है अपनाना चाहती हैं उनके, उनको आप क्या कहेंगी? पहले तो सबसे पहले कोई पैगाम देना चाहेंगी तो उस हवाले से आप कुछ? मेरा पैगाम ये है कि देखें फालतू नहीं बैठें,
फालतू क्योंकि फालतू बैठ के ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गॉसिप करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो हम लोग जो है वो इसमें गुना भी कमा रहे होते हैं और उसमें हमें फायदा कुछ नहीं होता। अपनी नेकियां हमने जो बड़ी मुश्किलों से की होती है वो हम गिफ्ट के तौर पर उनको पेश कर रहे हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहला तो हमारा ये होना चाहिए कि हमें जो है वो बुराइयों से बचेंगे अगर हम ये काम करेंगे। तो मेरा पैगाम ये है कि लोग आएँ, हमारे पास आ सकते हैं आएँ, और नहीं तो और भी बहुत सारे इदारे हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं, जिसको जो आसानी हो हमारे पास आएँ तो मोस्ट वेलकम, और मुख्तलिफ कोर्सेज़ में एडमिशन लें, इसके अलावा हमारे साथ काम करें। जो बच्चियाँ फ़ीस नहीं पे कर सकती हम लोग उनको फ्री में करवाते हैं और फिर जॉब भी देते हैं। एक बच्ची हमारे पास ऐसी आई थी ब्यूटिशन में जो कि फ़ीस नहीं पे कर सकती थी, तो हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स करवाए थे और उसके बाद फिर वो यहाँ पर जॉब करती थी। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईद में उसकी शादी हो गई है, तो इसलिए वो गांव वापस चली गई है। अच्छा मैडम ये बताइए ना हमारे व्यूवर्स को कि आप कौन कौन से कोर्सेज कराती हैं? हमारे यहाँ जो है वो है जूट वर्क है, फ्लावर मेकिंग है, कुकिंग है, और ब्यूटिशन के मुख्तलिफ कोर्सेज है, मेकअप का है, रिबॉन्डिंग है, हेयर ट्रीटमेंट है, और आईब्रो है, फेशियल है, स्किन के हवाले से ना अच्छा। वो है, और उसके अलावा जो है वो सलाद डेकोरेशन का है, और कुकिंग के मुख्तलिफ हैं, बेकिंग है, कुकिंग है, और उसके अलावा जो है वो कैलीग्राफी है, और फ्लावर मेकिंग है, कैलीग्राफी है, और जूट वर्क है, रिबिन वर्क है, हर तरह की एम्ब्रॉयडरी है ना, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, इलाकाई एम्ब्रॉयडरी, उसके अलावा जो है वो रिसाइकलिंग एक हमारा है, जो बची कुची बेकार चीज़ें जो हमारे पास होती हैं ना हम उसको काम में ला के और डेकोरेशन पीसेस बनवाते हैं। अच्छा मैडम ये बताइए हमारे व्यूवर्स को हेल्थ एंड फिटनेस के जो आप करवा देंगे उसमें क्या क्या है आपके पास? उसमें हमारे पास योगा है, जुम्बा है, और अरेबिक है। हाँ, उसमें जो है वो बच्चियाँ जो वेट जिनका वेट ज़्यादा है वो लूज़ करती हैं और जिनका वेट कम है वो गेन करती हैं, दोनों ही तरह की हैं। और उसके अलावा जो है जो पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ जिसके घुटनों में तकलीफ़ है, शुगर पेशेंट हैं, उनको भी हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। अच्छा मैंने बाहर देखा आपका एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जूटू कराटे भी जी शामिल है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जूडो कराटे जो है वो हमारे जो है वो किड्स का है, ज़्यादा किड्स का है, मैंने देखा वो। अच्छा बच्चों को तो आपको पता है कि बॉक्सिंग वगैरह का बड़ा शौक होता है ना, तो इस हवाले से जो है हम लोग बच्चों को जो है वो वो एक्टिविटी भी आप करा रही हैं, तो वो उसमें भी जो है एडमिशन लेना होता है? उसमें जी एडमिशन लेना होता है, और वो हमारा 1 मंथ से शुरू होता है, और फिर वो ज़ाहिर है ब्लैक बेल्ट और जितनी बेल्टें हैं उनकी वाइट बेल्ट ब्लैक बेल्ट जो है वो सारे इंशाल्लाह हम करवाते हैं। अच्छा आपकी जो ये योगा की आपने कितनी इंस्ट्रक्टर आपके पास मौजूद हैं इस वक्त? हमारे पास अभी इंस्ट्रक्टर हमारे पास 2 मौजूद हैं इंस्ट्रक्टर, और जो है माशाल्लाह दोनों क्वालिफाइड हैं और दोनों जो है वो अच्छे, मतलब और भी जगह जिम सिर्फ हमारे यहाँ नहीं और भी जगह सिखा रही हैं, और मेडिकेटेड योगा हमारे यहाँ होता है, तो जो हमारी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी हैं, फिजियोथेरापिस्ट भी हैं, तो वो फिजियोथेरापी का भी न्यूरो भी होंगी। जी 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 ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए जूडो कराटे में कितनी इंस्ट्रक्टर्स हैं आपके पास, फीमेल हैं या मेल हैं? फीमेल हैं हमारे पास, मेल अभी हमारे पास है लेकिन अभी हमारे पास एडमिशन नहीं है ना मेल में, तो इसलिए हमारे पास खाली एक ही है हमारे पास अभी। तो आप हमें अपना ये योगा जहाँ होता है वहाँ कब लेके जाएंगी? योगा तो हमारा जो है ओपन एयर में होता है, आप चाहें तो अभी चलें, और जिम जो है वो हमारा रूम है उसमें होता है, तो उसमें अभी क्लास भी हो रही है अभी वहाँ पर। और क्या कहते हैं योगा जो है वो हमारा ओपन एयर होता है, वो हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है, आप लेट हो गए। अच्छा ऐसे लोग भी हैं, ऐसी ख़वातीन भी हैं जो घरेलू टोटके वगैरह करती हैं अपनी स्किन और हेयर के हवाले से, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी ऐसी ख़वातीन को, क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये जो टोटके होते हैं ये स्किन के लिहाज से होते हैं, हर चीज़ हर एक पे अप्लाई नहीं की जाती, जैसी आपकी स्किन होगी वैसे ही आप ट्रीटमेंट लें, तो हम लोग यही गाइड करते हैं उनको कि पहले आप आएँ और आप अपनी स्किन का टेस्ट करवाएँ, और हमारे पास जो है ब्यूटिशियन भी माशाल्लाह जो है बहुत क्वालिफाइड हैं, और सिन टेक्निकल बोर्ड से जो है कोर्स किए हुए हैं, और एक हमारे पास हेल्पर हैं और एक हमारे पास ब्यूटिशियन है। ज़बरदस्त। अच्छा हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप जो एग्जीबिशंस वगैरह करवाती हैं तो वो किन किन प्लेसेस पर करवाती हैं?
ये हमारी एग्जीबिशन जो है वो ज़्यादातर जो है वो हमारी पीसी में होती है और एक्सपो सेंटर कराची में। और एक्सपो सेंटर, एक्सपो सेंटर माई कराची है, उसमें कस्टमर वालों की है, मसाला है, मुख्तलिफ जो भी एग्जीबिशन होती है और हम मतलब फ्री होते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। तो ये एक्टिविटी आप कब से कर रही हैं माशाल्लाह? ये एग्जीबिशन की एक्टिविटी तो मैं 2004 से कर रही हूँ। 2004 माशाल्लाह। और आपको फीडबैक कैसा मिला? फीडबैक शुरू में तो फ्लॉप ही फ्लॉप चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो 2-3 साल से समझे कि हम आगे की तरफ थोड़े से बढ़े हैं। तो फिर ये बाद वक्त ऐसा होता है कि हमें जो तवक्को होती है, हम समझते हैं शायद पीसी में ज़्यादा महंगा जाएगा या एक्सपो में बिल्कुल नहीं होगी सेल, लेकिन ये कि हर जगह का अपना अपना वो होता है, जैसे कस्टमर्स आते हैं वैसे ही फीडबैक होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो है थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अच्छा मैडम, आपने अपने न्यू क्लाइंट्स के लिए कोई पैकेज वगैरह बनाया, कोई डिस्काउंट पैकेज या किसी किस्म की फैसिलिटी? हमारे यहाँ डिस्काउंट है, हमारे यहाँ हेयर ट्रीटमेंट पे डिस्काउंट है, उसमें जो है हेयर कट जो है वो फ्री है। ज़बरदस्त। और उसके अलावा जो हमारे पास फेशियल वगैरह हो उसमें जो है क्लिनजिंग हमारे पास फ्री है। फ्री है, ज़बरदस्त। तो हम आपसे करेंगे आपके योगा रूम में बातें। थैंक यू। कोर्सेज़ वगैरह कराते हैं ना, तो वो हम फ्री में करवाएं या हम बहुत ही कम अमाउंट रखें, उसके बाद फिर उनको जॉब दें, एक तो ये है। दूसरे ये कि जिन ख़वातीन को सिलाई आती है या कोई भी हुनर आता है ना, तो वो आए और हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो वो फिर हम उनसे उनको पैसों पे समझे बनवाएंगे और फिर हम उनको एग्जिबिट करेंगे, तो ज़ाहिर हमें भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा, भी फायदा होगा। और उसके अलावा जो है अगर गरीब बच्चे की शादी है तो फिर हम लोग उनको करते हैं, या अल्लाह ना करे जैसे अभी बारिश का है तो बारिश में भी हम ख़वातीन के लिए खड़े हैं, जो राशन जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं, हर चीज़ होती है माशाल्लाह। और अभी कोविड में भी हमने काफ़ी हेल्प की लोगों की, और ख़वातीन की तो मैं यही कहूँगी कि वो आएँ हमारे साथ, अगर उनको कुछ भी आता है या कुछ नहीं भी आता तो वो आएँ और यहाँ पर सीखें और अपना कारोबार खुद करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका काम है ये, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा ये फलाही काम जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आपको भरपूर नवाजे, मेरी दुआ आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, हमारे पत्नी व्यूवर्स कहाँ कहाँ से आपको देख रहे होंगे, और उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी मैडम ने कुछ बातें की हैं इन्हें फॉलो किया जाए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं किसी और नई डिस्कस के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।